गुड इवनिंग एवरीवन। गुड। स्टार्ट करें। आई एम गुड। आज केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट में थी। कितने स्टूडेंट्स थे भाई केमिस्ट्री क्लास में? गुड इवनिंग पायल। आई एम गुड। तनिष्का गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आकांक्षा 50 थे तो अब भी क्यों कम है? दो और कहाँ चले गए मेरे आते? तुम थी क्लास में? अच्छा तनिष्का। शिवानी मॉर्निंग हो रही है बेटा? अभी 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 सोकर उठी क्या? अच्छा सेकंड स्लॉट में कम हो जाते हैं। कौन सा 50 बहुत ज्यादा थे? चलो रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कर लिया है सबने? यस मैम। यहाँ तक डन सबका? किसी को कोई दिक्कत? गुड इवनिंग गायत्री। गुड इवनिंग शिवानी। गुड इवनिंग जिज्ञासा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनिशियली न्यूक्लियर एनर्जी वॉज हेल्ड एज अ नॉन पॉल्यूटिंग वे फॉर जेनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी सुना होगा सबने। ठीक है, न्यूक्लियर पावर को बहुत अच्छा। बारिश स्टार्ट हो गई। वेरी गुड। यस मैम। हाउ आर यू बेटा? चलो जी, लेटर ऑन बाद में देखा गया, इट वॉज रियलाइज दैट द यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी हैज टू वेरी सीरियस इनहेरिट प्रॉब्लम। पहले क्या हुआ, जब न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज्यादा यूज की जाने लगी थी, तो भाई न्यूक्लियर पावर है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, सारी चीजें बहुत थी। लेकिन जब एक लॉन्ग टाइम तक देखा गया तो देखा गया कि इनहेरिट प्रॉब्लम जनरेट हो रहे हैं। अच्छा जी शिवानी, और कुछ? आज वेदर को यहाँ तो बहुत धूप है भाई। ओहो चलो पढ़ लें। द फर्स्ट इज एक्सीडेंटल लीकेज एज अकर्ड इन द 3 माइल आइलैंड एंड द आपका चेर्नोबिल इंसिडेंट एंड द सेकेंड इज द सेफ डिस्पोजेबल ऑफ द रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये दो रीजन है जिससे क्या हुआ आपका। क्या ही पढ़ा रही थी मैं? ठीक है, पहली चीज तो क्या हुआ था, एक्सीडेंटल लीकेज हुआ था रेडियो एक्टिव जो आपके इमिशंस होते हैं उनका। ठीक है, जिसको चेर्नोबिल इंसिडेंट बोला गया। और दूसरा क्या था, जो सेफ डिस्पोजेबल होता रेडियो एक्टिव वेस्ट का, उनकी वजह से क्या हुआ आपका, ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं उनसे क्या होने लगा आपका, पॉल्यूशन होने लगा। रेडिएशन दैट इज गिवन ऑफ बाय न्यूक्लियर वेस्ट इज एक्सट्रीमली डैमेज टू द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या हुआ, ये जो भी आपके न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं। क्या करते हैं, दे आर इमिटेड द रेडिएशन विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग सेल्स को डैमेज कर देता है। बिकॉज इट कॉज द म्यूटेशन एट अ वेरी हाई रेट। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वेरिएशन कर रहा है। कल मैं फर्स्ट स्लॉट में क्लास ले रही थी भाई, आज सेकंड में ले रही हूँ। घर आना पड़ता है मेट्रो में, तब एनर्जी लो हो जाती है। ठीक है, एनर्जी लो लग रही है क्या? चलो तेज तेज पढ़ाते हैं। वॉइस क्लियर है सबको? मैम साउंड बहुत आ रही है पीछे से। अच्छा ऐसा क्या, एक मिनट रुको।
अभी बताओ, अभी साउंड कैसा बेटा? ठीक है कौन का साउंड आ रहा है? मैम, व्हीकल्स की साउंड आ रही है। अभी भी आ रहा है? यस मैम। बेटा कुछ नहीं किया जा सकता, मैम ने ऑन रोड घर शिफ्ट कर लिया है, अब यहाँ व्हीकल का साउंड आएगा। हाँ प्रतिभा, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है, बट अब हो गया है तो अब इसी स्लॉट में पड़ेंगे। अब ठीक है, अब तो नहीं आ रहा होगा। आई हैव लॉक्ड द डोर, ठीक है, बालकनी का गेट खुला हुआ था, दैट्स व्हाई आ रही होगी। ठीक है चलो, या अभी भी आ रही है, इग्नोर दैट मैम, अ लिटिल बिट। ठीक है, तो इतना नहीं हो रहा ना। ठीक है चलो, अभी यहाँ पे क्या हुआ देखो, जब न्यूक्लियर रेडिएशन किसी चीज का इमेज हो रहा है, वो बॉडी में अब्सॉर्ब हो रहा है, तो सेल्स में क्या होने लगेगा, आपका म्यूटेशन होने लगेगा। ठीक है, जब म्यूटेशन होने लगेगा तो क्या होगा आपका, जो न्यूक्लियर रेडिएशन है वो क्या करेगा, म्यूटेशन कर रहा है, दैट मीन्स इट कुड बी लीथल। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, सेल्स जो है वो डेड हो जाएंगी। ठीक है, बहुत लोअर डोज पे भी क्या करेगा, ये लीथल इफेक्ट जनरेट करवाएगा। इट क्रिएट्स वेरियस डिसऑर्डर, जिससे क्या हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर, मतलब जो आपके ऑर्गेन जैसे फंक्शन करने चाहिए थे वैसे फंक्शन नहीं करेंगे। द मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑफ ऑल बीइंग कैंसर, और उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की बात की जाए तो वो क्या होता है, कैंसर होता है ड्यू टू म्यूटेशन। देयरफॉर न्यूक्लियर वेस्ट इज एन एक्सट्रीमली पोटेंट पॉल्यूटेंट एंड हैज टू बी डील्ड विद द ऑटमोस्ट कॉशन। पहली चीज तो क्या मानेंगे कि ये जो आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट है, ये क्या आपका पोटेंट पॉल्यूटेंट है, मतलब पोटेंट मतलब जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी हो कुछ भी कॉज करने की। ठीक है, और इसको क्या किया करना चाहिए, आपका बहुत ज्यादा कॉशन के साथ यूज करना चाहिए। ठीक, न्यूक्लियर पावर को, इट हैज बीन रिकमेंडेड दैट द स्टोरेज ऑफ द न्यूक्लियर वेस्ट आफ्टर सफिशियंट प्री ट्रीटमेंट। ठीक है, जो क्या रिकमेंड किया जाता है कि जो न्यूक्लियर वेस्ट है इसका स्टोरेज कैसे किया जाए, आपका काफी सारे प्री ट्रीटमेंट करने के बाद, शुड बी डन इन द सुटेबल शील्डेड कंटेनर्स बरीड विद इन द रॉक्स। ठीक है, अबाउट 500 मीटर डीप बिलो द अर्थ सर्फेस। हाउएवर दिस मेथड ऑफ डिस्पोजेबल इज मीटिंग स्टिफ अपोजिशन फ्रॉम द पब्लिक, मतलब ऐसे प्लेस पे करना होगा जहां पे क्या हो आपका, लोगों से दूर वाली स्पेस हो। ठीक है, जब भी डिस्पोजेबल कर रहे हैं तो कैसे करें, लोगों से दूर वाले प्लेस पे करें। दूसरा कैसे करें कि बहुत ज्यादा 500 मीटर डीप जगह पे करके इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, ताकि क्या हो, इमिशन ना हो पाए। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द ग्लोबल वार्मिंग। The term greenhouse effect has been derived from a phenomena that occurs in the greenhouse. Greenhouse effect कहाँ से लिया गया है बेटा? एक phenomena होती है greenhouse की, ठीक है? उसमें किया क्या जाता है? It looks like a small glass house. क्या होता है? एक छोटा सा glass का house बनाया जाता है, चारों को मतलब उसकी walls किसकी होंगे? Glass की होंगी, ठीक है? And is used for growing plant especially during winter. Winter में क्या होता है? आपका temperature जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है? अब किसी चीज की जो वॉल है वो ग्लास की बनी है, तो वहां से जब सन आएगा, ठीक है, जो हीट अंदर आ रही है, जो लाइट अंदर आ रही है, वो अंदर ही क्या होगी, ग्लास को क्रॉस करके बाहर नहीं निकल पाएगी, तो जितनी लाइट अंदर आई वो क्या हो जाएगी, वहीं पे ट्रैप हो जाएगी फॉर द टाइम बी। ठीक है, इन अ ग्रीन हाउस द ग्लास पैनल लेट्स द लाइट इन बट डज नॉट अलाउ हीट टू एस्केप। अंदर तो आ जाती है लाइट्स, लेकिन उसको बाहर इमिट क्या करता है, ये नहीं होने देता, तो क्या टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। Therefore, the greenhouse warms up very much like inside a car that has been parked in the sun for few hours. Car में देखा होगा, किस experience किया होगा कि अगर क्या है आपका, car park कर दी गई है जहां पे बहुत ज्यादा sunlight आ रही है, तो जब वहां पे जाओगे थोड़ी देर बाद car खोल के बैठोगे तो क्या होगा, car की seats जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रीन हाउस भी इसी तरीके का क्या है, एक आपका विंटर में प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। हाँ, हॉट हो जाएगी प्रतिभा, ठीक है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल अकरिंग फिनोमेना दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। यहाँ पे क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है, एक नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है। जो भी देखो सन का रेडिएशन यहाँ अर्थ तक आता है वो क्या होता है बेटा, ट्रैप हो जाता है कुछ अमाउंट,
ठीक है, आपकी कुछ गैसेस होती है स्पेशली जो क्या करती है उस अमाउंट को ट्रैप कर लेती है और बाकी सारा क्या हो जाता है इमिट आउट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है आपका, क्या हो रहा है कि गैस जो आपकी है वो क्या करेंगी, कुछ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वो क्या करती है उस सोलर रेडिएशन को ट्रैप कर लेती है, जितना ट्रैप कर लिया उतना ट्रैप कर लिया, बाकी सारी क्या हो जाएंगी इमिट हो जाएंगी, वापस चली जाती है। अब एक बात बताओ, अगर वो गैसेस का परसेंटेज बढ़ता गया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती गई, तो जितना मान लो एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन कर रहा है, तो अगर 10 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या बेटा, आज तो मैं पहले दिन क्लास ले रही हूँ यहाँ से। तुम लोगों को वॉइस क्लियर है? यस मैम। क्या ही कर सकते हैं, हेडफोन्स कनेक्ट करो सब लोग। अच्छा विंडो ओपन है क्या, ओपन कर दो। चलो ठीक है, ये क्या कर रही है आपका, ये मान लो CO2 और मीथेन दो गैसेस हैं आपकी, CO2 है और मीथेन, जो मोस्टली आपकी क्या करते हैं हीट को ट्रैप करती है, जैसे जैसे CO2 का अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे जो हीट ट्रैप हो रही है वो भी बढ़ती जाएगी, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब रेडिएशन जो है आपका वो क्या होता जाएगा, ज्यादातर ट्रैप होता जाएगा। क्या भूल गई आकाश? अब नहीं आएगी, विंडो खुली हुई थी, विंडोज नहीं। आकाश तुम्हें नहीं बोली, तुम्हें कैसे भूल सकते हो, नाम नहीं लिया क्या आज मैंने? अच्छा कोई रिप्लाई ही नहीं किया। ओहो एक्चुअली आज मैं जैसी आई ना बस जस्ट ओपन माय लैपटॉप और बैठ गई क्लास लेने, देर हो रही थी इसलिए, दैट्स व्हाई। अश्विता का भी नहीं किया, ओह सॉरी बच्चों, ये कंप्लीट कर लें फिर आज कंप्लीट हो जाएगा तो फिर सबको रिप्लाई करते हैं, ठीक है फिर थोड़ी सी बातें करेंगे। अच्छा जतिन का भी, ओह सॉरी, प्रतिभा का भी, ओह सॉरी एवरीवन, आज एक्चुअली लेट हो गया था दैट्स व्हाई, ठीक है सॉरी सॉरी। अभी तो साउंड नहीं आ रहा होगा ना, आए मुझे आज ही समझ में आ रहा है कि यहाँ से इतना साउंड आता है, मैं अंदर वाले रूम में रहती हूँ, वहां पे टेबल नहीं है एक्चुअली, वहां टेबल अरेंज करनी पड़ेगी। अभी भी आ रहा है, एंजॉय करो नॉइस पोल्यूशन। चलो लास्ट लाइन में ये बोल रहा है बेटा कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है एक नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है, नेचर में हो रही है, ठीक है हो कैसे रही है, सन का रेडिएशन आ रहा है और सन का जो रेडिएशन है वो क्या कर रहा है, अर्थ की सरफेस को गर्म कर रहा है, ठीक है कैसे गर्म कर रहा है, यहाँ पे कुछ ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है वहां पे क्या होता है वो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो सन से रेडिएशन आ रहा है उसको ट्रैप कर रही हैं, बाकी जितना उन्होंने होल्ड ऑन कर लिया उतना तो अर्थ पे रह गया, बाकी सारा क्या हो गया वापस चला गया, रिफ्लेक्ट बैक हो गया, ठीक है। तो जो अमाउंट आपका, अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड उसको पकड़ रही है रेडिएशन को, ठीक है हीट को, मेरे पीछे वाली विंडो भी खुली हुई है, अरे भाई पढ़ लो, वो अंदर रूम की विंडो है, वहां से कोई साउंड नहीं आ रहा है, बालकनी खुली हुई थी वहां से आ रहा होगा, पहले तुम लोग कर लो फिर मैं पढ़ाती हूँ, बचेगा 3 दिन लग जाएंगे इस चैप्टर में भी, नेक्स्ट स्लाइड पे ही चलते हैं, ज्यादा कोई समझाने की जरूरत नहीं। ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है लॉन्ग वेव को, कौन सी वाली, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये जो आज वाला पढ़ा रही हूँ ना ज्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस यहीं से है, ये बहुत मजे लेते हैं आकाश, क्या ही किया जाए इनका, सारा बस बायो की क्लास में मजे लेते हो, है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी थोड़ा थोड़ा ले लिया करो। इंफ्रारेड बेटा, कौन सा वाला, इंफ्रारेड, ठीक है ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी वाली वेव्स या रेडिएशन यहाँ पे एब्जॉर्ब करती है, इंफ्रारेड करती है, ठीक है एंड इमिटेड अगेन टुवर्ड्स द अर्थ, और जितना एब्जॉर्ब किया बाकी इमिट कर देती है कहाँ, वापस आपका टुवर्ड्स द अर्थ, द साइकिल कंटिन्यूज टिल द अर्थ सर्फेस हैज नो लॉन्ग वेव रेडिएशन टू इमिट, तब तक होता रहता है जब तक कि यहाँ से इमिशन ना हो,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या पाई जाती है आपकी, ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती है जो क्या कर रही है, एनर्जी को ट्रैप कर रही है, ठीक है, हीट को ट्रैप कर रही है यहाँ पे. सरप्राइज टू नो दैट द विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर एट सरफेस ऑफ अर्थ वुड हैव बीन अ चिली -18 डिग्री सेल्सियस रेदर देन द प्रेजेंट एवरेज ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस. अब यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक आपका एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो कितना है आपका एवरेज टेम्परेचर, इट इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है. एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, क्वेश्चन यहां से आ सकता है. और अगर यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस नहीं आती तो कितना टेम्परेचर होने का चांसेस था आपका, -18 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये दोनों चीजें. अच्छा रितिका, वहां पे भी केमिस्ट्री में भी मैम चाहिए और फिजिक्स में भी 15 तो कम नहीं होता मतलब. अरे भाई, एक एवरेज टेम्परेचर पूरे अर्थ में, पोलर वाला हिस्सा भी है, ठीक है, आपका इक्वेटर वाला भी हिस्सा है, एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहा है. हर एक जगह के टेम्परेचर को मिला के जब हम एवरेज निकालेंगे तो 15 डिग्री सेल्सियस तक का एवरेज टेम्परेचर होता है. कब, जब आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट चल रहा है तब. अगर ये इफेक्ट नहीं होता तो क्या होता भाई, यहाँ पे गर्मी ट्रैप ही नहीं होती ना, हीट ट्रैप नहीं होती तो टेम्परेचर बढ़ता नहीं, तो -18 रहता, बहुत ठंडा. ठीक है, क्लियर. ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, यहां तक क्लियर सबको. चलो, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट इट इज नेसेसरी टू नो द फेट ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट रीचेस टू द आउटर मोस्ट एटमोस्फेयर. ठीक है, कि एनर्जी का फेट समझना होगा सनलाइट का, कि वो कहां तक पहुंच रहा है एटमोस्फेयर में. ठीक है, क्लाउड्स इन द गैसेस रिफ्लेक्ट्स अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन. जितना सोलर रेडिएशन अर्थ से आ रहा है उतना क्लाउड्स और गैसेस उसको क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन दे रहे हैं. एंड अब्सॉर्ब सम ऑफ इट, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन अर्थ सर्फेस हीटिंग इट. आधे से ज्यादा कहां आ रहा है, आपके अर्थ के सर्फेस पे. व्हाइल अ स्मॉल प्रोपोर्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक, जिसमें से आधा कहां हो रहा है आपका, वापस जा रहा है अर्थ की सरफेस से. अर्थ सरफेस रीमिट्स हीट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन. अर्थ की सरफेस क्या कर रही है, इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में इमिट कर रही है एनर्जी. बट पार्ट ऑफ दिस डज नॉट एस्केप इनटू स्पेस एज एटमॉस्फेरिक गैसेस. अब एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, ये इमिशन पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, वो उसको रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं. जैसा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एटसेट्रा absorb major fraction of it, the molecules of these gases radiate heat energy. अब जब ये absorb कर रहे हैं यहाँ पे radiation को, तो क्या हो रहा है, ये heat energy के form में इसको radiate कर रहे हैं. and a major part of which again comes to earth surface. और बाद में जो इन्होंने methane और carbon dioxide ने क्या किया, surface पे absorb किया, वो क्या कर रहा है आपका, वापस से अर्थ सरफेस का टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, thus heating it up once again. तो ये क्या कर रहा है, अर्थ के टेम्परेचर को क्या कर रहा है, हीट अप कर रहा है. दिस साइकिल इज रिपीटेड many a time. ठीक है, यही साइकिल कई बार चल रहा है. द अबव मेंशन गैस कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मीथेन्स आर द कॉमनली नोन एज ग्रीन हाउस गैस. तो ग्रीन हाउस गैसेस आपकी कॉमनली कौन कौन सी है, CO2 एंड मीथेन, because they are responsible for the greenhouse effect. Increase in the level of greenhouse gases has led to considerable heating of earth leading to global warming. अब बेटा यही गैस क्या कर रही है आपका, हीट एनर्जी को ट्रैप कर रही है, तो अगर इनका अमाउंट बढ़ता गया तो हीट बढ़ती जाएगी, और दैट इफेक्ट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज इंक्रीज बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस. अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है. मोस्ट ऑफ इट्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 डिकेड्स. साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस राइज इन द टेम्परेचर इज लीडिंग टू डिलेटरियस चेंजेस इन द एनवायरमेंट एंड रिजल्टिंग इन ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस. ठीक है, जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा क्या होता जाएगा, काफी सारे क्लाइमेटिक चेंज होते जाएंगे, जिसको क्या बोला जाता है, एल नीनो इफेक्ट. मतलब जो आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन होना चाहिए था, क्लाइमेटिक कंडीशन, वो नहीं होगी. धीरे धीरे क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होने लगेगी, ऑड वे में चेंज होने लगेगी. दैट इफेक्ट इज नोन एज
एलनीनो इफेक्ट दिस लीडिंग टू इंक्रीज्ड मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, और पोलर आइस कैप्स जो है आपके वो वाटर जो आइस के फॉर्म में जमा हुआ है, ठीक है, पोलर्स पे हिमालयन रीजन में स्नो कैप्स बने हुए हैं, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ क्या होगी, पिघलेगी, ठीक है, तो ये क्या होने लगेंगे, मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, मेल्ट होंगे तो वाटर में चेंज होंगे, ओवर मैनी ईयर्स दिस विल रिजल्ट इन राइज इन सी लेवल, वाटर में चेंज होंगे तो कहाँ जाएंगे, सी में जाएंगे, और सी का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दैट कैन सबमर्ज मैनी कोस्टल एरियाज, तो जो आपके कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज क्या होते हैं, जो सी कोस्ट पे बसे हुए एरिया है, वो क्या हो जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे, वहां पानी का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, द टोटल स्पेक्ट्रम ऑफ चेंजेस द ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग अबाउट इज अ सब्जेक्ट दैट इज स्टिल अंडर एक्टिव रिसर्च, ठीक है, क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कितना चेंजेस आ रहा है, ये सारा क्या है आपका, रिसर्च चल रही है इस पे, हाउ कैन वी कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, द मेजर इंक्लूड्स कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अब भाई कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के फॉर्मेशन को अगर हम कम कर दें तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है ना, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो जाएगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस हो जाएगी, तो फॉसिल फ्यूल्स जो भी होते हैं आपके वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते, तो इनका यूज कम कर दे, इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूसेज, रिड्यूसिंग डीफॉरेस्टेशन, और क्या करें, अगर डीफॉरेस्टेशन आपका रिड्यूस कर दे, भाई प्लांट कट नहीं होगा तो प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करेगा और ऑक्सीजन जनरेट करेगा, प्लांटिंग ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन कम कर दे, ठीक है, और ट्री को मतलब रिफॉरेस्टेशन करें, प्लांट करें ट्रीज को, एंड स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, और ह्यूमन पॉपुलेशन को क्या करें, रिड्यूस करें, क्योंकि रिसोर्सेज यूज कौन कर रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन कर रही है, ठीक है, इंटरनेशनल इनिशिएटिव और ऑल्सो बिगिन टेकिंग टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन टू द एटमोसफेयर, तो इन ग्रीन हाउसेस गैसेज को, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए क्या किया गया, इंटरनेशनल इनिशिएटिव लिए गए हैं, ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर पाई जाती है विच इज नोन एज ओजोन, क्या फॉर्मूला होता है बेटा ओजोन का, O3, ठीक है, क्या होता है इसका, O3 होता है, O3 क्या कर रहा है आपका, मतलब जो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स हैं उनसे क्या कर रहा है आपका, या तो O2 बनता है और या फिर क्या बनता है, O3 बनता है, ठीक है, और या तो क्या होता है, यही O3 वापस से O2 और फ्री रेडिकल में टूट जाता है, तो दो प्रोसेस हो रही है, एक क्या हो रही है, ये फ्री रेडिकल्स जो है आपके, ये जो फ्री रेडिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपस में कंबाइन करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, या फिर क्या बना रहे हैं, O3 बना रहे हैं, ये दोनों, या फिर ये O3 टूट रहा है किसमें, फ्री रेडिकल और O2 में, प्रोसेस समझ में आई क्या हो रहा है, बताओ, फ्री रेडिकल जो है वो ऑक्सीजन बना रहा है और O3 बना रहा है आपस में कंबाइन करके, क्योंकि फ्री रेडिकल सबसे आपका क्या होता है, डेंजरस होता है, मतलब ये वैसा है कि अकेले नहीं बैठ पाता, क्या करेगा, रोमिंग करेगा इधर उधर, कोई मिल जाए उसके साथ रिएक्शन कर लो, तो जब इसको अपना ही फ्री रेडिकल मिलता है उसके साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, तो O3 बनाएगा और क्या बनाएगा, O2 बनाएगा, और यही O3 वापस से क्या होता है आपका, O2 और फ्री रेडिकल में टूट जाता है, यही प्रोसेस उसमें समझना है, ठीक, यू हैव अर्लियर स्टडीड इन द केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 11th, पढ़ा था, बताओ, यस, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, हमारी बॉडी में भी जनरेट होता है ना फ्री रेडिकल्स, और जब इसके लिए हम क्या करते हैं, शरारती तत्व, यस रितिका, ये शरारती तत्व है, क्या करता है, डिस्टर्बेंस, ठीक है, तो अभी ये क्या सोचो, हमारी बॉडी में भी क्या होता है, मेटाबॉलिज्म के बाद क्या होता है, फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, सेल से जाके रिएक्ट करते हैं, सेल को डैमेज करते हैं, तो एजिंग की प्रोसेस बढ़ जाती है, ठीक है, कैंसर कॉज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए क्या पीना चाहिए, ग्रीन टी, ठीक है, और ग्रीन टी क्या करती है, या फिर कोई भी एंटीऑक्सीडेंट, आपके विटामिन सी में भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो जो भी एंटीऑक्सीडेंट वाले होते हैं फूड वो खाने चाहिए, जिससे क्या होगा, फ्रूट्स वगैरह ऐसे आपके, या ग्रीन टी हो गया, या विटामिन्स हो गए, तो ये क्या करेंगे, फ्री रेडिकल्स को किल करते हैं, ठीक है, एजिंग को रिवर्स, यस, साइट्रस फ्रूट में पाया जाता है आपको, चलो, तो क्लास 11th में पढ़ा था सबने बैड ओजोन,
formed in the lower atmosphere, which is known as troposphere, that harms the plant and the animal. There is a good ozone also. This ozone is found in the upper part of the atmosphere called the stratosphere. So, दो तरीके की ozone है, bad ozone and good ozone. जो stratosphere में बन रही, which is good. कौन कौन पढ़ के आया भाई 11th में? Yes, प्रतिभा, मैं पीती हूँ ड्रिंक, सबको पीनी चाहिए. And it act as a shield absorbing ultraviolet radiation from the sun. जो stratosphere पे आपका ozone बन रही है, वो क्या कर रही है? UV rays का absorption कर रही है, ठीक है? तो shield की तरह काम कर रही है. ये क्या कर रही है? UV rays को अर्थ पे आने से रोक रही है, ठीक है? UV rays are highly injurious to living organisms. DNA and protein of living organism preferentially absorb UV rays. DNA और प्रोटीन क्या करते हैं? अगर मान लो यूवी रेस से एक्सपोजर हुआ तो उस यूवी रेस को क्या करेंगे? ये आपके अब्सॉर्ब कर लेंगे, ठीक है? एंड इट्स हाई एनर्जी ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड विद इन दीज मॉलिक्यूल्स. और क्या होगा? डीएनए और आपके प्रोटीन के जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक डाउन हो जाएंगे. The thickness of the ozone in the column of air from the ground to the top of the atmosphere is measured in the term of Dobson unit. ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि आपका ओजोन की जो थिकनेस है, ठीक है, कितनी थिकनेस होनी चाहिए, वो क्या कहलाती है? आपकी किस यूनिट में नापते हैं? आपके डॉब्सन यूनिट. ठीक है, ओजोन गैस इज कंटिन्यूअसली फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. ठीक है, आपकी जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है, जब यहाँ पे यूवी रेज टकराती है तो ये क्या हो जाती है? आपकी ओजोन का फॉर्मेशन कर लेती है एंड डिग्रेडेड इनटू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन द स्ट्रेटोस्फीयर. ठीक है, तो ये क्या कर रही है? ओजोन गैस भी बना रही है और ये क्या कर रही है आपका? कहाँ थे हम? ओजोन गैस इज कंटिन्यूअसली फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड आल्सो डिग्रेडेड टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन द स्ट्रेटोस्फीयर. तो टूट भी रही है बेटा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से क्या हो रहा है? फॉर्मेशन भी हो रहा है O3 का. अच्छा आकाश, ऐसा अब सब पीने लगेंगे, ऐसा कहना चाह रहे हो आकाश? यस, ग्रीन टी सबको पीनी चाहिए, बॉयज को भी, क्योंकि कैंसर कॉज करता है. फ्री रेडिकल क्या कर रहा है? कैंसर कॉज कर रहा है, तो भाई कैंसर नहीं कॉज करवाना ना. देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर. स्ट्रेटोस्फीयर में क्या हो रहा है? जितना प्रोड्यूस हो रही है उतना ही क्या हो रही है? वो डिग्रेड भी हो रही है. तो ओजोन टूट भी रही है, ओजोन बन भी रही है, बैलेंस बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है. अच्छी नहीं लगती तब भी पीना चाहिए. Of late, the balance has been disrupted due to the enhancement of the ozone degradation by the chlorofluorocarbon. आ गया, ठीक है. अब ये क्या हो रहा है? ये जो आपका बाद में काफी टाइम में जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या हुआ, अमाउंट बढ़ने लगा, तो जो आपकी ओजोन लेयर है उसको ये क्या करता है? डैमेज करता है, ठीक है. सीएफसीज फाइंड वाइड यूज एज द रेफ्रिजरेटेंट. आपके जो रेफ्रिजरेटर में गैस होती है वो क्या होती है? क्या कहना चाह रही हो ऋतिका? अच्छा, ऋतिका पीती है. ओके, सीएफसी डिस्चार्ज इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर मूव्स अपवर्ड एंड रीच स्ट्रेटोस्फीयर. जो सीएफसी है बेटा वो क्या करता है? आपके एटमॉस्फेयर के लोअर पार्ट में जाता है एंड
ऊपर की तरफ जाके कहाँ पहुंच जाएगा, आपके स्ट्रेटोस्फेयर में. इन स्ट्रेटोस्फेयर यूवी रेज एक्ट ऑन देम रिलीजिंग क्लोरीन एटम. अब जैसे ही ये सीएफसी वहां जाएगा और यूवी रेज से टकराएगा, तो स्ट्रेटोस्फेयर में आपका यूवी रेज है, तो यूवी रेज से टकराते ही क्या करेगा, क्लोरीन आयंस क्या करेगा, क्लोरीन के एटम्स जनरेट करना शुरू. अब ये क्लोरीन डिग्रेड करता है ओजोन रिलीजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को, ठीक है, जो आपका ओजोन बनाने वाले मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है उनसे जाके कौन रिएक्ट कर लेगा, क्लोरीन विद दिस एटम्स एक्टिंग मेरली एज कैटलिस्ट. तो क्लोरीन कैसा काम कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है. क्लोरीन एटम्स आर नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन. अभी ये क्या कर रहा है, सिर्फ एक्टिविटी को क्या कर रहा है, फर्क दे रहा है, ठीक है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. व्हाटएवर सीएफसी आर एडेड टू द स्ट्रेटोस्फीयर दे हैव परमानेंट एंड कंटिन्यू इफेक्ट्स ऑन द ओजोन, ठीक है. तो कैटलिस्ट क्या करते हैं भाई, अगर कोई चीज रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, केमिस्ट्री की बात करें, तो वो क्या होती है, प्रोडक्टिव फॉर्म में निकल जाएगी, लेकिन वो सिर्फ एक्शन को घटा या बढ़ा रही है, तो उसका अमाउंट तो एज इट इज बना रहेगा ना, वो पार्टिसिपेट तो कर नहीं रही है, वो तो बस क्या कर रही है, उस प्रोसेस को होने से रोक रही है. आया समझ में. Although ozone depletion is occurring widely in the stratosphere, अब क्या हो जाएगा भाई, ओजोन क्या हो रही है, बनने नहीं पा रही और डिग्रेड होती जा रही है, तो अब क्या होगा, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की कमी आएगी या नहीं आएगी. अभी तक दोनों चीजें बैलेंस में चल रही थी, ठीक है. यस, रिएक्शन को फास्ट करती है विदाउट रिएक्टिंग इटसेल्फ, कैटलिस्ट है. यस yes, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करिए. एग्जैक्टली प्रतिभा और रुचिका ने सही समझा, ठीक. तो अब कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रही है, तो क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा, ठीक, और डिग्रेडेशन तो चल ही रहा है. तो पहले दोनों चीजें सेम हो रही थी, प्रोडक्शन भी हो रहा था और डिग्रेडेशन भी हो रहा था, बैलेंस था सब कुछ. लेकिन अभी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो लेयर है वो क्या होने लगेगी, पतली होने लगेगी, उसकी थिकनेस कम होने लगेगी. द डिप्लेशन इज पर्टिकुलरली मार्क्ड ओवर द एंटार्क्टिक रीजन. दिस हैज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज एरिया ऑफ थिन ओजोन लेयर कॉमनली कॉल्ड एज द ओजोन होल. तो इसको क्या बोला जाता है, जो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर है, दैट मीन्स ओजोन लेयर की थिकनेस का कम होना क्या कहलाता है, ओजोन होल. ऐसा नहीं हुआ कि ओजोन में छेद हो गया है, ठीक है, वो धीरे धीरे लेयर क्या हो रही है, पतली हो रही है, थिकनेस कम हो रही है. यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन यूवी बी आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली अब्सॉर्ब्ड बाय अर्थ एटमोस्फेयर. यूवी बी से जो भी शॉर्टर लेंथ वाले होंगे वो क्या होंगे, अर्थ के एटमोस्फेयर में अब्सॉर्ब किए जाते हैं. गिवन दैट द ओजोन लेयर इज इंटैक्ट बट यूवीबी डैमेज डीएनए एंड म्यूटेशन में अकर, ठीक है. अब क्या होगा आपका, अगर यूवीबी आया तो वो डीएनए को सीधे क्या करता है बेटा, डैमेज करता है और म्यूटेशन हो जाता है. इट कॉज एजिंग ऑफ स्किन, स्किन की एजिंग को बढ़ा देगा, डैमेज टू स्किन सेल एंड वेरियस टाइप ऑफ स्किन कैंसर, ठीक है. इन ह्यूमन आई कोरोना कॉर्निया अब्सॉर्ब यूवीबी रेडिएशन. जो आपका कॉर्निया होता है वो क्या करता है, यूवीबी रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है. एंड हाई डोज ऑफ यूवीबी कॉजेस इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस. क्या बोला जाता है इसको, स्नो ब्लाइंडनेस बोला जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एटसेट्रा. सच एक्सपोजर में परमानेंटली डैमेजिंग द कॉर्निया, और ये क्या करता है, कॉर्निया को डैमेज कर देता है, ठीक है. Recognizing the deleterious effect of the ozone depletion, an international treaty known as the Montreal Protocol was signed at the Montreal, Canada in 1987. तो ये याद रखना है बेटा, और ये कब इफेक्टिव हुआ आपका, 1989 में. तो दोनों चीजें याद रखना है, साइन किया गया 1987 में आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और 1989 में क्या हुआ, इफेक्टिव हो गया. To control the emission of the ozone depleting substances, क्या इसमें ट्रीटी की गई, प्रोटोकॉल लिया गया कि भाई जो चीजें ओजोन को क्या कर रही हैं, लेयर की थिकनेस को कम कर रही हैं, उनको रोका जाए, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को यूज कम किया जाए. सब्सिक्वेंटली मैनी मोर एफर्ट्स हैव बीन मेड एंड प्रोटोकॉल्स हैव लेड डाउन डेफिनेट रोड मैप सेपरेटली फॉर द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज दोनों में ये चीजें प्रोटोकॉल यूज की गई फॉर रिड्यूसिंग द इमिशन ऑफ सीएफसीज एंड अदर ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स, ठीक है. क्या किया गया आपका, सीएफसी या फिर ओजोन डिप्लेटिंग जो केमिकल्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए काफी सारे प्रोटोकॉल लिए गए. डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड द मेंटेनेंस. द डिग्रेडेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज कैन अकर नॉट जस्ट बाय द एक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट बट ऑल्सो बाय इम्प्रॉपर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन प्रैक्टिस. एक तो देखो पॉल्यूटेंट तो है ही है, यहाँ पे जो इफेक्ट
दे रहे हैं, दूसरा आपका नेचुरल रिसोर्स का जो डिग्रेडेशन है वो भी किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हम इम्प्रॉपर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। सॉइल इरोजन एंड द डिफॉरेस्टेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल टेक सेंचुरीज, ठीक है। जो आपकी सबसे, अगर सॉइल प्रोफाइल पड़ा होगा तो सॉइल प्रोफाइल में क्या होता है, जो आपकी सबसे टॉप मोस्ट सॉइल होती है वही क्या होती है, सबसे मोस्ट फर्टाइल होती है, ठीक है। और इसको बनने में क्या होता है, काफी टाइम लगता है, बट इट कैन बी रिमूव वेरी इजिली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज, लेकिन इसको रिमूव करना बहुत आसान है अगर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी वहां चल रही है, ठीक है। अगर ओवर कल्टीवेशन करा दिया तो भी क्या होगा, वहां का जो टॉप फर्टाइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। कहीं पर ग्रेजिंग बहुत ज्यादा करवा दी गई, ओवर ग्रेजिंग हो गई, ह्यूमस इज द टॉप सॉइल, यस पाया जाता है, ह्यूमस भी क्या होता है आपके टॉप सॉइल में पाया जाता है सबसे ज्यादा। लाइक ओवर कल्टीवेशन करवा दिया या अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग करवा दी, कि भाई छोड़ दिया कैटल्स को और वहां ग्रेजिंग होती जा रही है, ठीक है, तो भी क्या होती है, वहां की फर्टिलिटी कम हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन करवा दिया एंड पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस रिजल्टिंग इन एरिड पैचेस ऑफ लैंड, अब वहां पे भाई इरिगेशन हो नहीं रहा है तो क्या हो जाएंगे, आपके मॉइस्चर मिल ही नहीं रहा है उस सॉइल को, ठीक है। वेन लार्ज बैरन पैचेस एक्सटेंड, अब क्या हो जाएगा, बैरन लैंड मतलब जो इनफर्टाइल लैंड है वो बढ़ने लगेगी, इन मीट ओवर टाइम अ डेजर्ट इज क्रिएटेड। अब छोटे छोटे पहले पैच थे इनफर्टाइल हुए, अब वो पैच बढ़ते गए, ठीक है, काफी सारे लार्ज बैरन पैच मिलते गए टाइम के साथ, तो धीरे धीरे क्या हो गया, वो पूरा जो लैंड था वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। इंटरनेशनली इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड दैट द डेजर्टिफिकेशन इज द मेजर प्रॉब्लम नाउडेज, पार्टिकुलरली ड्यू टू इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या भी है, जहां क्या कर रहे हैं भाई, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रहने की जगह चाहिए, तो हम रहने के लिए क्या कर रहे हैं, वहां पर सेटलमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक, एक तो हमें रहना भी है और दूसरा फिर क्या करना है, हर तरह की फैसिलिटी भी चाहिए, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एनवायरमेंट जो हो रहा है वो पॉल्यूटेड हो रहा है, ठीक है। वाटर लॉगिंग एंड द सॉइल सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग क्या होती है, पानी का किसी लंबे समय तक क्या हो जाना, एक जगह पे इकट्ठा हो जाना। इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर लीड्स टू द वाटर लॉगिंग इन द सॉइल, अब देखो ड्रेनेज हो रहा है, यस, खाना पीना भी है, गंदगी भी फैलाना है, सब चीजें करनी है हमें, ठीक, तो क्या होता जाएगा, डेजर्टिफिकेशन भाई, लैंड जो है वो क्या होती जाएगी, वैरन होती जाएगी। वाटर लॉगिंग क्या है, इरिगेशन कर रहे हैं आप, ठीक है, इरिगेशन तो बहुत प्रॉपर है, पानी जा रहा है, लेकिन वहां ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं, पानी निकल ही नहीं पा रहा है, तो वाटर इकट्ठा होता जाएगा, उसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग इन द सॉइल। बिसाइड्स अफेक्टिंग द क्रॉप्स, वाटर लॉगिंग ड्रॉस सॉल्ट टू द सर्फेस ऑफ द सॉइल, अब जहां पानी इकट्ठा हो रहा है तो सॉल्ट क्या हो जाता है, आपकी सॉइल के सर्फेस पे आ जाता है, तो सैलिनिटी क्या होगी, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन सॉइल में बढ़ जाएगा। The salt then is deposited as a thin crust on the land surface or start collecting at the roots of the plants. अब ये क्या होगा, जो salt है आपका deposit होता जाएगा as a thin crust on the land, ठीक है, land पे धीरे धीरे एक पतली layer जमाता जाएगा और क्या हो जाएगा आपका, जो प्लांट्स की रूट है वहां पे जाके accumulate होता जाएगा, ठीक है, तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी। This increased salt content is ग्रोथ ऑफ द क्रॉप एंड इज एक्सट्रीमली डैमेजिंग टू एग्रीकल्चर, और धीरे धीरे क्या करेगा, एग्रीकल्चर को डैमेज करेगा। वॉटर लॉगिंग एंड द सॉइल सैलिनिटी आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट हैव कम इन द वेक ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। वॉटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी क्या आपकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिनका सोल्यूशन कहाँ पे दिया गया है, ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू। डिफॉरेस्टेशन इज द कन्वर्जन ऑफ द फॉरेस्टेड एरिया टू नॉन फॉरेस्टेड, कहीं बहुत घने जंगल थे, अब वहां की लैंड पे यूटिलाइज करने के लिए कुछ चाहिए तो क्या करेंगे, उस जंगल को काट दिया जाएगा, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट ऑलमोस्ट 40% फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन द ट्रॉपिक, इस डिफॉरेस्टेशन से 40% ऑफ फॉरेस्ट आपके ट्रॉपिक एरिया के क्या हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, ठीक है, कंपेयर टू ओनली 1% इन द टेम्परेट रीजन, और टेम्परेट रीजन पे 1%। द प्रेजेंट सिनारियो सिनारियो ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज पर्टिकुलरली ग्रिम इन इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, फॉरेस्ट कवर्ड अबाउट 30% ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया,
पूरे इंडिया की लैंड जो थी उसका 30% क्या था, फॉरेस्ट से कवर था. बट बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, बस ये एंड ऑफ द सेंचुरी तक ये श्रिंक होके कितना हो गया, 21.54%. मतलब आपका कितने परसेंट, लगभग 9% क्या हो गया आपका जो है वो कम हो गया, रिड्यूस हो गया. वेयर एज द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ऑफ इंडिया हैज रिकमेंडेड 33% फॉरेस्ट कवर बाय द प्लेन्स एंड द 67% फॉर द हिल्स. जबकि क्या 1988 में जो आपका नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी उन्होंने क्या रिकमेंड किया कि कितना होना चाहिए आपका, 33% फॉरेस्ट आपका प्लेन्स पे होना चाहिए और 67 आपका हिल्स. यस 19% दिया हुआ है, कहां पे चेक कर लेना बेटा, क्योंकि ये आपका शायद नई वाली एनसीईआरटी मैंने वो की है. ठीक है, तो एनसीईआरटी चेक कर लेना कब की है. यस मैम. ठीक है शिवानी, क्या चीज, कौन सी विश भाई, हाँ पुरानी वाली में चेक कर लेना. ठीक है, ये मैंने कल भी बताया था कि डेटास जो है आपके ना वो नई वाली से ऑनलाइन थोड़ा सा टैली कर लेना. ठीक, वेट अ मिनट. दिल्ली का एक व्यू जो कि कैसा है आपका, पॉल्यूटेड देख के क्या ही करना है. मैं तो आज परेशान हो गई भाई इस आवाज से, मुझे खुद रियलाइज नहीं था इतनी आवाजें आती. क्लास लेने बैठी तो आज समझ में आया. हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अकर, कैसे हो रहा है भाई डिफॉरेस्टेशन. A number of human activities contribute to it. कौन कर रहा है डिफॉरेस्टेशन, हम कर रहे हैं. ठीक है, हमारी एक्टिविटी से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. One of the major reason is the conversion of forest to the agricultural land. So as to feed the growing human population. पहली बात तो हम population increase कर रहे हैं, फिर उनको खाना भी खिलाना है, तो खाना खिलाने के लिए हमको agricultural land चाहिए. तो उस land के लिए हम क्या कर रहे हैं, forest को cut किया और वहां पे क्या किया, agriculture अपनी क्रॉप को ग्रो करवाया. ठीक है, ट्रीज आर एग्स फॉर द टिम्बर, दूसरी चीज लकड़ी के लिए, वुड चाहिए हमें. ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं फायरवुड के लिए. ठीक है, आग जलाने के लिए भी चाहिए. कैटल रेंचिंग एंड फॉर सेवरल अदर पर्पसेस, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. हम क्या करते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है भाई, पूरा एकदम आग लगा दो सारे फॉरेस्ट खत्म और क्या हो जाएगा वहां पे, एग्रीकल्चर कर लो, क्रॉप लगा लो अपनी. कॉमनली कॉल्ड एज झूम कल्टीवेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया. झूम कल्टीवेशन कहाँ किया जा रहा है आपका, नॉर्थ ईस्टर्न आपके स्टेट ऑफ इंडिया में has also contributed to deforestation. In slash and burn agriculture, the farmer cut down the trees of the forest and burn the plant remain. ठीक है, पहले कट किया, जो आपका वुड वगैरह की यूज थी वो ले लिया, उसके बाद जो बचे उनको क्या कर दिया, जला दिया. ठीक है, पूरी जमीन साफ. द एश इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, अब जो एश थी वो एज अ फर्टिलाइजर हो गए. एंड द लैंड इज देन यूज्ड फॉर फार्मिंग फॉर कैट और कैटल ग्रेजिंग. ठीक है, वहां पे फार्मिंग कर लिया. आफ्टर कल्टिवेशन द एरिया इज लेफ्ट फॉर सेवरल इयर्स सो एज टू अलाउ इट्स रिकवरी. द फार्मर देन मूव ऑन टू द अदर एरियाज एंड रिपीट दिस प्रोसेसेस. ठीक है, अब ये क्या हो गया, बहुत सालों तक, अब एक बार तो कल्टीवेशन कर लिया, क्रॉप अपना यूटिलाइज कर ली, अब वो क्या हो गया, बहुत सालों तक क्या हो गया आपका, खाली पड़ा रहेगा फॉर द रिकवरी. ठीक है, फिर दूसरी लैंड ढूंढी, वहां पे भी जाके ये किया, फिर ऐसे. तो लैंड क्या हो रही है यहाँ पे, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या नहीं. इन अर्लियर डेज वन द झूम कल्टीवेशन वॉज इन प्रिवलेंस,
enough time gap was given so that the land recovered from the effect of cultivation. ठीक है, एक प्रॉपर टाइम गैप दिया जाता है जिससे क्या हो जाए, वो वापस से वहां पे कल्टीवेशन के लिए प्रिपेयर हो जाए. With increasing population and repeated cultivation, this recovery phase is done away with the resulting in the deforestation. लेकिन अब भैया इतनी population हो रही है तो और ज्यादा चाहिए हमको crop grow करवाने की जरूरत है, तो क्या कर रहे हैं, जब तक का वो gap fill नहीं हो रहा उससे पहले दूसरा वाला किए दे रहे हैं, फिर तीसरा वाला किए दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, deforestation की रेट बढ़ रही है. What are the consequences of the deforestation? One of the major effect is enhanced carbon dioxide concentration in the atmosphere because trees that could hold a lot of carbon in their biomass are lost with the deforestation. तो पहला चीज क्या हो रहा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन एटमोसफेयर में बढ़ रहा है क्योंकि फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो रही है भाई, प्लांट कट रहे हैं. तो डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो कॉज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, कैसे होगा, अब जो बेटा एनिमल्स आपके जो वाइल्ड लाइफ बसी हुई है कहां, जंगलों में, जब पूरा जंगल साफ कर दिया जाएगा तो उनका हैबिटेट तो चला गया, तो जब हैबिटेट चला गया तो क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. ठीक है, डिस्टर्ब द हाइड्रोलॉजिक साइकिल. ठीक है, कॉज सॉइल इरोजन, क्या क्या चीजें हो रही है यहाँ पे, आपका वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, बारिश नहीं होगी सही टाइम पे. ठीक है, क्योंकि वो भी ट्रीज की वजह से हो रही है. सॉइल इरोजन हो जाएगा, सॉइल जो आपकी टॉप सॉइल होती है उसको होल्ड करके कौन रखता है, सॉइल को, ट्रीज. अब ट्रीज नहीं है तो सॉइल क्या होगी, पानी आया या हवा चली तो वो सॉइल क्या हो गई आपकी, धीरे धीरे वहां से एरोज होना शुरू हो गई. एंड मे लीड टू द डिजर्टिफिकेशन इन द एक्सट्रीम केसेस. और बहुत ज्यादा अगर सॉइल इरोजन हो गया तो क्या हो जाएगा, डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा. ठीक है, रिफॉरेस्टेशन, फिर से फॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इज द प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग अ फॉरेस्ट दैट वंस एक्सिस्टेड बट वाज रिमूव्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. पहले पास्ट में जो आपका क्या किया गया है, फॉरेस्ट को रिमूव किया गया, जो पहले एग्जिस्ट था उनको वापस से क्या किया जाए, रिस्टोर किया जाए. ठीक है, रिफॉरेस्टेशन में अकर्स नेचुरली इन द डिफॉरेस्टेड एरिया. जो डिफॉरेस्टेड एरिया थे वहीं पे हम क्या करेंगे, नेचुरली डिफॉरेस्टेशन करवाया जाता. हाउएवर वी कैन स्पीड इट अप बाय प्लांटिंग ट्रीज विद ड्यू कंसिडरेशन टू बायोडाइवर्सिटी दैट अर्लियर एग्जिस्टेड इन द एरिया. अब पहले जो आपके स्पीशीज वाले प्लांट थे वहां पे, ट्रीज थे, उनको वहां पे प्लांट करवा दिया जाए उस एरिया में, तो ये क्या कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकता है. ठीक है, नेचुरल प्रोसेस से टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा अगर ह्यूमन एक्टिविटी वहां पे इन्वॉल्व कर दी जाए, ठीक है, स्पीशीज लाई जाए, एक्सीट कंजर्वेशन करवा दिया जाए वहां पे, तो इट मे बी पॉसिबल. केस स्टडी ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट. पीपल्स पार्टिसिपेशन हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया. इन 1731 द किंग ऑफ द जोधपुर इन द राजस्थान आस्क्ड वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स टू अरेंज वुड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू प्लेस, सॉरी न्यू पैलेस. यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, यहाँ पे 1731 में बात करें जोधपुर राजस्थान की, वहां पे जो एक किंग थे उस टाइम के, उन्होंने क्या बोला मिनिस्टर से कि वुड अरेंज करो, एक पैलेस बनवाना है. ठीक है, तो लकड़ी जाओ लेकर क्या हो, द मिनिस्टर एंड द वर्कर्स वेंट टू अ फॉरेस्ट. जो उनके मिनिस्टर और वर्कर थे वो कहाँ गए, फॉरेस्ट में गए, नियर अ विलेज, एक गांव के पास, इनहैबिटेड बाय द बिश्नोईज. वहां पे जो कम्युनिटी रहती थी उनका नाम क्या था, बिश्नोईज, टू कट डाउन ट्रीज. ठीक है, वहां पे गए उनके मिनिस्टर्स लोगों को लेकर कि चलो भैया पेड़ काट के ला, वो पैलेस बनवाना है. द बिश्नोई कम्युनिटी इज नोन फॉर इट्स पीसफुल को एग्जिस्टेंट विद नेचर. जो बिश्नोई कम्युनिटी थी वो किस लिए जानी जाती थी, भाई नेचर के साथ बहुत कह सकते इको फ्रेंडली वे में रहती थी. ठीक है, द एफर्ट्स टू कट डाउन ट्रीज बाय द किंग वॉज थॉटेड बाय द बिश्नोईज. तो उन्होंने भाई उनको रोका कि पेड़ मत काटो. अब बिश्नोई वुमेन अमृता देवी showed exemplary courage by hugging a tree and daring king's man to cut her first before cutting the tree. एक वहां पे जो थी लेडी थी अमृता देवी, इन्होंने क्या किया, ट्री को हग कर लिया और बोला कि भैया अगर ट्री कट करना है तो पहले मुझे कट करो, ट्री को डैमेज मत करो. इतना प्यार था नेचर से. तुम लोगों को है कौन कौन ऐसा है जिसको बहुत नेचर से प्यार है. The tree mattered much more to her than her own life. उसको अपनी लाइफ से ज्यादा क्या था, वैल्यू पता थी कि ठीक है भाई ट्री जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है. और जाहिर सी बात है जितने भी हमारे मोस्टली अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाए तो ट्री पे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ना. सैडली द किंग्स मैन डिड नॉट हीड टू हर प्ली एंड कट डाउन द ट्री अलॉन्ग विद अमृता देवी. लेकिन भाई जो किंग के आदमी गए थे वहां पे मिनिस्टर्स और लोग, वो क्या थे,
तो वो क्या थे, उन्होंने क्या किया, उसकी उस रिक्वेस्ट नहीं सुनी और क्या कर दिया, कट कर दिया ट्री भी और उनको अमृता देवी को भी. हर थ्री डॉटर्स एंड द हंड्रेड्स ऑफ अदर बिश्नोई फॉलोड हर, और इतने लोगों ने उनको फॉलो किया. एंड दस लॉस देयर लाइफ सेविंग ट्रीज, और इतने लोगों ने अपनी जान गवा दी कैसे, ट्री को सेव करने के लिए. नाउ नो वेयर इन हिस्ट्री डू वी फाइंड अ कमिटमेंट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड व्हेन ह्यूमन बींग सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द कॉज ऑफ द मोमेंट. ठीक है, कहीं भी हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा गया कि इतना ज्यादा लोगों ने सेक्रीफाइस किया अपने लाइफ को फॉर द टू सेविंग द एनवायरमेंट. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड द अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड. एक अवार्ड दिया गया है रिवॉर्ड करने के लिए उन लोगों को जो क्या करते हैं फॉर इंडिविजुअल्स और द कम्युनिटीज फ्रॉम रूरल एरियाज दैट हैव शोन द एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज एंड डेडिकेशन टू प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ. वो लोग जो भी आजकल वाइल्ड लाइफ को बचा रहे हैं उनके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ अवार्ड दिया जा रहा है उनको. ठीक है, बढ़िया. जिनके यहाँ ट्रीज हैं तो यू मे हैव हेड ऑफ द चिपको मूवमेंट. चिपको मूवमेंट भी कुछ इसी टाइप का था. गढ़वाल ऑफ हिमालयाज इन 1974 लोकल वीमेन शोड एनॉम्ब्रस ब्रेवरी इन द प्रोटेक्टिंग ट्रीज फ्रॉम द एक्स ऑफ कॉन्ट्रेक्टर्स बाय हगिंग डैम. उन्होंने क्या किया था, पेड़ को हक कर लिया था. ठीक है, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्लेम्ड चिपको मूवमेंट. ठीक है, काफी सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया. रिलीजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्टिसिपेशन बाय लोकल कम्युनिटीज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1980s हैज इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट. गवर्नमेंट ने देखा भाई लोग काफी जागरूक है और चीजें कर रहे हैं, तो उन्होंने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस किया इन 1980. सारे ईयर और सारे ये जो भी आपके चीजें यहाँ पे ये सबको अच्छे से पढ़ लेनी है. ठीक है, समझ आ रहा है, ताकि यहाँ से क्वेश्चन आए तो बन जाए, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देना. सो एज टू वर्क क्लोजली विद द लोकल कम्युनिटीज फॉर प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट. क्या किया इन्होंने, जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसमें वहां की जो लोकल कम्युनिटी थी उसके साथ मिलकर के टाई अप किया और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम किया. इन रिटर्न फॉर देयर सर्विसेज टू द फॉरेस्ट, द कम्युनिटीज गेट बेनिफिट ऑफ वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट. और जहाँ पे ये लोग जो कम्युनिटी के लोग जुड़े थे, ठीक है, जो वहां के आसपास के विलेज के लोग जो जुड़े थे, जो वहां पे काम कर रहे थे, उनको क्या किया गया, एज अ रिवॉर्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स दिए गए. ठीक है, जिसमें आपका क्या है, फ्रूट्स, गम, रबर, मेडिसिन एटसेट्रा. एंड दस द फॉरेस्ट कैन बी कंजर्व इन द सस्टेनेबल मैनर. और इस तरह के फॉरेस्ट का जो कंजर्वेशन होता है वो क्या कहलाता है, आपका सस्टेनेबल मैनर कहलाता है. ठीक है, ताकि फॉरेस्ट को यूज भी कर रहे हैं. कल की क्लास में याद करके आना है रितिका. ठीक है, और जिसको याद नहीं रहेगा तो उसकी होगी पिटाई, क्लास में मत आना. ठीक है, याद करके आना है कल सबको. तो ये फॉरेस्ट आपका क्या है, सस्टेनेबल मैनर है, मतलब हम यूज भी कर रहे हैं और क्या हो रहा है, फॉरेस्ट जो है वो डैमेज भी नहीं हो रहा. ठीक है, चैप्टर द एंड हो गया, कुछ बचा तो नहीं है. द एंड, यस बेटा क्लैप कर लो, सब लोग क्लैप कर लो. इकोलॉजी फिनिश कर दी हमने. रितिका कल बेटा कल क्लैप कर लो भाई. इकोलॉजी डन हो गई, खुशी हो रही है. इकोलॉजी जैसा चैप्टर, इकोलॉजी का कुछ भी नहीं बचा, सब कर लिया तुमने सब. ठीक है, एवरीथिंग हैज डन, सारा चैप्टर पूरा. ठीक है, आप बताओ, ऑनलाइन पिटाई से डर लगता है. अच्छा जी, चलो ये चैप्टर डन. क्वेश्चन करवा दूं क्या इसके, टाइम है अभी. अच्छा, अभी कल का असाइनमेंट सुन लो भाई. अभी कल मैं बताना भूल गई थी और तुमने याद भी नहीं दिलाया. सुनो, अब करना क्या है तुम लोगों को, पहली बात तो नोट्स बनाने हैं. सुनो, पहली चीज क्या करने हैं, अब इस चैप्टर से तुम लोगों को नोट्स बनाने, मेहनत करोगे अब तो. ठीक है, नोट्स बनाने हैं. ठीक है, और नोट्स क्या करोगे, बनाओगे बढ़िया सा. ठीक है,
और वो नोट्स क्या करोगे, सेंड करोगे, ठीक। जब वो सेंड करोगे तो वो कहाँ आएंगे, मेरे पास आएंगे, उनमें से मैं सेलेक्ट करूंगी जो सबसे बढ़िया नोट्स होंगे, ठीक है, इस वाले चैप्टर के। और वही वाला नोट्स क्या होगा, तुम्हारा अपलोड करूंगी तुम्हारे नोट सेक्शन में, ठीक है। कौन कौन नोट सेंड करने वाला है बना के, बहुत छोटा सा चैप्टर है, खोलोगे बन जाएगा फटाफट। बताओ पार्टिसिपेशन नेम दो अपने, ठीक है। डेडलाइन क्या रख दें इसकी, नोट सबमिशन की, आज वेंसडे है, फ्राइडे इवनिंग रख दें, संडे, ओ भाई बहुत ज्यादा हो गया, इतना टाइम नहीं देने वाली मैं, फ्राइडे सबमिशन। सबमिशन कब है तुम्हारा, सेंड टू कोऑर्डिनेटर, अरे कोई सैटरडे नहीं, फ्राइडे, फ्राइडे इवनिंग, अरे कितना बड़ा नोट्स है। चलो अच्छा संडे कर दूं, चलो संडे भाई, जैसे तुम लोग खुश वैसे मैम खुश, लो संडे कर दिया, अभी ठीक संडे को सबमिशन। यस मैम। अच्छा आकाश, ठीक है, किसको सेंड करोगे पीडीएफ, कोऑर्डिनेटर को, वहां के थ्रू मुझे आ जाएगा, ठीक है, मैं देखूंगी और जिसका अच्छा होगा उसका क्या करूंगी, अपलोड कर दूंगी, ठीक है। कुछ थोड़ा एक्टिविटी करें, बच्चे एक्टिव रहे, बहुत लेजी हो चुके हैं, देखो उज्जवल ने कितने दिन बाद मैसेज किया, है ना, यस। कोऑर्डिनेटर भी थोड़ा सा तंग हो जाएंगे कि हाँ भाई ठीक है, क्या ही लगाया हुआ है मैम ने, कुछ तो करे, है ना। और अगर जिनको दिक्कत हो रही है तो मैं ही नंबर दे दूं फिर। अच्छा स्कूल वाले भी बहुत काम देते हैं, चलो संडे तक सेंड कर देना, ठीक है। हाँ यस मैम, यस मैम, जी ने कोऑर्डिनेटर्स को सेंड करना है, अच्छा जी बहुत अच्छे, सारे मैसेज करने लगे, कोऑर्डिनेटर्स को करना है भाई, वहां से आ जाएगा मुझ तक, ठीक है। हाँ पता चलेगा बच्चे पढ़ रहे एग्जैक्टली। चलो आज चैप्टर का द एंड हो गया, इकोलॉजी समाप्त हो गई, बड़ी खुशी की बात है। कल माइक्रोब से स्टार्ट करें, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, अच्छा चैप्टर है। क्वेश्चन कितने बज गए, चलो आज जल्दी ही छुट्टी कर लें, जल्दी छुट्टी कर दें। नो मैम। मर्ज बेटा, यूजीसी ने प्रपोजल दिया है रिचिका, लेट सी, होना तो नहीं चाहिए। यस मैम। कैसे, फेस टू फेस बात करी मानचू सर से, वो तो हम वैसे भी फेस टू फेस रहते हैं। क्वेश्चन करवा दूं, अच्छा सबने कैमरा ऑन किया था क्लास में, चलो अभी भी कर सकते हो तुम लोग कैमरा ऑन, चलो यही कर लेते लास्ट में, आ जाओ कैमरा ऑन करो, आ जाओ अभी तो टाइम है, आ जाओ मैं भी यही कर लेती हूँ। एक दिन इकोलॉजी का टेस्ट करवा दिया जाएगा इकट्ठा सारा, ठीक है, इकोलॉजी पूरा हो गया, अब बड़ी शांति हो गई, क्या हो गया, ओ ऐसा प्रतिभा, हेलो श्रेया, श्रेया ने ऑन किया था अपना कैमरा, अच्छा तैयारी कर रहे हैं, हेलो उज्ज्वल, हेलो अस्मिता, हेलो मैम, हाउ आर यू बेटा,
अरे भाई जब तुम लोगों ने हिमांशु सर से कर ली बातें, हेलो अर्षिका, तो फिर मैम से क्या शर्माना, मैम से तो तुम लोग और भी क्लोज हो। हेलो पायल, हाय वंशिका, हेलो रितिका। अब जब तुम लोगों ने हिमांशु सर से कर ही ली, रुक जाओ भाई रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे।